ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। इनमें तेरा कोई नहीं क्यों बया दीवाना रे, सुवे सिंबल से यात्रु देख लुभाना रे, और चोंच मारी व्याकुल भया बहुते पिस्ताना रे, मान सरोवर कमल दल गर दूर पियाना रे, गैर सातल राह को पड़ पोथी पाना रे। अब जो हम सदग्रंथ पढ़ा करते थे, पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद्भुत गीता, पवित्र पुराण आदि, कहते हैं इनके पाठ करने वाले यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं हो पाए, यथार्थ मंत्र से भी वो परिचित नहीं थे, जिस कारण से वो ये पाठ करने वाले पुस्तकों को पोथियों को पढ़ने वाले भी नरक में गए, अर्थात उनका जीवन व्यर्थ हुआ। क्यों? क्योंकि उनको सतगुरु संत से नहीं पूज्य पासाना रे, सतगुरु संत यानी परम संत उन्होंने मिले नहीं, उनको परम संत की उन्होंने सेवा नहीं की। सतगुरु संत से नहीं पूज्य पासाना रे, और मरकब है कुम्हार के फिर शुक्र सवाना रे, पंथ पुरातम बूझ है कोई संत सुदाना रे, और स्वासा पार्स नाम है ना भी स्थाना रे। सतगुरु संत से नहीं और पूज्य पासाना माने मूर्तियां, पत्थर की मूर्तियों की पूजाएं की यानी शास्त्र साधनाएं की, और मरकब है कुम्हार का फिर शुक्र सवाना रे, गधे कुत्ते की सूर की योनियां प्राप्त की आप जी ने, पंथ पुरातम बूझ है कोई संत सुदाना रे, कोई बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति उस मूल ज्ञान को सुनता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है। पंथ पुरातन बूझ है, पुरातन माने वो आदि पंथ के बारे में कोई एकादा ही पूछता है, और स्वसा पारस नाम है ना भी स्थाना रे, हृदय में हरिपाई ये त्रिकुटी प्रवाना रे, गगन मंडल में गुमट है जहां धौजा निशाना रे, हाजिर नाजिर है धनी साहेब दिलदाना रे, पलकों चौरा कीजिए ता पर कुर्बाना रे, मन पौन सुर से अगम है कह नृत्य बियाना रे, जैसे अलल आकाश को धर है धुन जाना रे, आसन बंद अडोल मन जो पद ही समाना रे, गरीब दासियों पाइए पीव पुरुष पुराना रे, गगन मंडल में गुमट है जहां धवजा निशाना रे, गगन मंडल में एक आकाश में सतलोक के अंदर एक बहुत बड़ा गुमट है, गुमज इसको बोलते हैं, और उसके ऊपर एक धवजा, सफेद धवजा फहरा रहा है, झंडा फहरा रहा परमात्मा का। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96-96 के मंत्र नंबर 16 से लेकर 20 तक एक विशेष विवरण दिया है। वेद ज्ञान दाता ब्रह्म कहता है कि हे प्रभु, आप अपने वास्तविक नाम का ज्ञान कराएं। अगले ही श्लोक में, अगले ही मंत्र में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा कबीर है, और वो कबीर वाणी के द्वारा लोकोक्तियों के माध्यम से अपने यथार्थ ज्ञान को एक संत या ऋषि रूप में प्रकट होकर के ऊंचे स्वर में आवाज लगा लगा कर बोलता है। चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे यो जग चुगता डेल रे। खुद भी मालिक अपने अमरवाणी में बोलते हैं कि चारों युग में ये मेरे से परिचित संतों को, जिनको मैंने ज्ञान दिया, उन्होंने भी आवाज लगाई, और मैंने भी रुक के मार मार के आवाज लगाई, वो ज्ञान दिया। ऊंचे स्वर में गरज गरज की आवाज लगाई हमने, मैंने, और ये मुक्ति रूपी तत्व ज्ञान रूपी हीरे और मोती ये अमृतवाणी मैंने बरसाई,
लेकिन इस यथार्थ ज्ञान को, यथार्थ मोक्ष मार्ग को किसी ने ग्रहण नहीं किया, इस लाल को किसी ने ग्रहण नहीं किया, हीरे मोतियों को किसी ने ग्रहण नहीं किया, और आन उपासना रूपी डड़े इकट्ठे कर लिए, डड़े डोलिए, गलत साधनाएं कर ली। अपुणात्मा, परसों के समाचार पत्र में एक दुखदायी घटना पढ़ने को मिली कि गुड़गांव के पास एक गांव का एक ट्रक इस आन उपासना कावड़ लेने के लिए गया और वो गंगोत्री के पास जाकर के एक खड्डे में बहुत 150 मीटर 400-500 फुट गहरी खाई में गिर गया और सभी मर गए। एक ही गांव के 22 व्यक्ति मर गए, 20 और दो फेर मर गए उनके दुख में, 20 व्यक्ति मर गए, एक परिवार के 4, एक परिवार के 3 है। आन उपासक भगवान शिव की वो साधना शास्त्र विरुद्ध कर रहे थे। परमात्मा, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना करने वाले को किसी भी इष्ट की साधना कीजिए वो उनकी मदद नहीं करेगा। और कबीर साहब क्या बताते थे, पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। वहां पर भी लेन, जैसे कहीं कोई कुंभ का मेला हो जाए, वहां देखो कितनी दुनिया जाती है, किसी तालाब पर हो जाता है या किसी दरिया पर हो जाता है। परमात्मा कहते हैं हमने यथार्थ ज्ञान दिया, ये हमारा तत्व ज्ञान किसी ने नहीं सुनिया, पर भी लेन जात है दुनिया, वहां धक्के खान जाती है, और हमारा ज्ञान किन्हें नहीं सुनिया। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, ये हीरे माणिक मोती बरसे, यो जग जुगता डेल रे। तो वही वेद बता रहे हैं कबीर परमात्मा को, धर्मदास जी ने ये शब्द कहे थे कि हे गुरुदेव, जो ज्ञान आपने दिया ये आज तक हमारे को किसी ने नहीं बताया। और जितने भी हमारे ब्राह्मण गुरु थे, ऋषि थे, महर्षि थे, वो कहते थे कि हम तुम्हें गीता और वेदों से ज्ञान देते हैं, लेकिन ये ज्ञान तो मालिक नहीं था उनके पास। तो इससे सिद्ध है कि वेद और ये कतेब, कुरान, पुराण, ये सब झूठे हैं। तो परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि ना, नहीं बेटा, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं दो समझे नहीं। ये वेद और ये कतेब, ये किताबें, जितनी भी पुराण पुस्तकें हैं, धार्मिक ग्रंथ, इनको कतेब कहते हैं, जिसमें बाइबल, कुरान, पुराण, गीता, वेद, ये सारे आ गए, चारों वेद। कहते हैं झूठे नहीं है, झूठे वो लोग हैं जो इनको समझ नहीं सके, इनके अंदर ज्ञान झूठ नहीं है। और फिर परमात्मा ने बताया, ये क्लियर हो ही गया कि कबीर जी ने 600 वर्ष पहले बताया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, और हमें वेदों और गीता का सहारा लेकर यह बताया जाता था कि वेदों और गीता जी और पुराणों में इन्हीं भगवानों की पूजा के करने के लिए कहा। ये मृत्युंजय हैं, कालज्ञ हैं, अजर अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। ये ज्ञान हमें सुनाया गया था जो झूठा ज्ञान था, लोक वेद था, वो दंत कथा थी। तो परमात्मा कहते वेद मेरा भेद है, और मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। वेद जो हैं ये मेरे ही जानकारी दे रहे हैं, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्वेद। कहती है चारों वेद मेरे ही बारे में जानकारी दे रहे हैं, लेकिन मुझे पाने की विधि इन चारों वेदों में नहीं है। वो जिस वेद में वो है वो इस वेद, ये वेद नहीं जानते। लास्ट में वेद बोलने वाला भी कह देता है नेति नेति नेति, कि जितना ज्ञान हमने दिया इन वेदों में न इति, इसका इतना ही अंत नहीं है, ये इतना ही नहीं है, ये अंत नहीं, इति माने समाप्त नहीं है, न इति। तो नेति नेति कह के कहते वो ज्ञान हम लाए हैं, कबीर जी कहते हैं जो वेद नेति कह हारा, चारों वेद भी तुम्हारे नेति कह करके हार गए कि हम नहीं जानते। इससे आगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र 16 से 20 के बीच की जो आपको समरी सुनाता हूँ मौखिक,
तो उसमें ये लिखा है कि वो परमात्मा जगानम जानबूझकर प्रकट होता है, एक शिशु जगानम शिशु रूप धारण करता है, और जब वो बड़ा होता है तो अपने ज्ञान को अपने वास्तविक मंत्र को अपने नाम को, मेरा क्या नाम है और क्या वास्तविक गुप्त मंत्र है कौन सा है, उसको वो स्वयं ही आकर के बताता है। और वो अपना ज्ञान अपने मुखारविंद से ऊंचे स्वर में गरज गरज कर कबीर वाणी के द्वारा बोलता है, और वो लोकोक्तियों के माध्यम से श्लोकों दोहों के माध्यम से ज्ञान प्रचार करने के कारण एक प्रसिद्ध कवि की उपमा उपाधि भी प्राप्त करता है, पदवी भी प्राप्त करता है, लेकिन वो होता है भगवान ही। और उस ऋषि रूप में एक संत रूप में एक गुरु रूप में प्रकट परमात्मा के द्वारा रची हुई उसकी हजारों वाणी असंख्यों वाणियाँ उसके अनुयायियों के लिए, जब वह गुरु रूप में आता है बहुत से जन समूह उनके पीछे होता है। जैसे कबीर परमेश्वर जी 600 वर्ष पहले बनारस में आए थे काशी में, तो उनके 64 लाख से सोए थे और ये वाणी मालिक ने लिखवा दी थी, सब ने कुछ एक व्यक्तियों ने लिख कर अपने पास रख ली थी आवश्यक आवश्यक सी। तो उन वाणियों को पढ़ते हैं, कहते उनको वो वाणी परमात्मा के मुखारविंद से बोला गया वो तत्व ज्ञान अमृत के तुल्य स्वादिष्ट होता है, आनंददायक होता है, वह वाणी उनको बहुत प्यारी लगती है। और वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, तीसरा मुक्त धाम यानी पूर्ण मोक्ष स्थान। एक तो ब्रह्म का लोक 21 ब्रह्मांड है, देश कहो लोक कहो, और दूसरा परब्रह्म का लोक अक्षर ब्रह्म का लोक सत्संग ब्रह्मांड, ये इतना क्षेत्र देश, और तीसरा जो मुक्ति धाम है वो सतलोक है। ऊपर के ब्रह्मांड सतलोक अलखलोक अगमलोक अनामी लोक, ये सारा एक क्षेत्र अलग से तीसरा मुक्ति धाम भी कहलाता है। तो तीसरे देश में तीसरे मुक्ति धाम में वो रहता है, तीसरे धाम में रहता है, और वहाँ से चलकर आता है अपना ज्ञान प्रदान करता है। क्या बताते हैं, लेखा लीजै रे धनी के लेखा लीजै रे, आठ पटन सब लुट गए को अब क्या कीजै रे, पूंजी मूल गवाई या फिर कौन पति जै रे, मैं गाफिल फूला भूला फिरूं गढ़ हंस चढ़ी जै रे, चाकर चोर अनाद का सिर बोझा दी जै रे, शीश काट हाजिर करे जब सतगुरु री जय रे, अमी महारस नाम है अमृत पै पी जय रे, गगन मंडल भाटी जरे कमला दल भी जय रे, शब्द अनाहद गोर है चल हंस सुनी जय रे, पूंजी साहूकार की या हरदम छी जय रे, गरीब दास दूने करे सो सहा कही जय रे। जैसे पुण्यात्माओं, जैसे आप जी को मानव शरीर मिला है और आप यहाँ सौदा करने के लिए आए हो, आपके श्वास रूपी पूंजी आपके साथ है। जैसे कोई व्यक्ति कहीं बिजनेस करने के लिए दूर देश चला जाता है, 2 लाख रुपये ले जाता है, तो वहाँ वो होटल किराए पर लेता है, कमरा किराए पर लेता है, खाना भी उसी से खाता है और साथ में बिजनेस भी करता है। जो बिजनेस करके उसके दुगने तिगने कर लाया तो वो सेठ कहलाता है, और दूसरा व्यक्ति 2 लाख रुपए लेकर जाता है, होटल में रुक जाता है, मूल उद्देश्य को भूलकर गुटी शूटी लगाता रहता है, फिल्म देखता है, सैर सपाटे करता है, और जब पूंजी समाप्त हो जाती है तो होटल वाला व्यक्ति उसको होटल से बाहर फेंक निकाल देता है कि चला जावे तू, यहाँ तेरे पास पूंजी नहीं रही। तो फिर वो क्या करता है कि वो कर्जवान हो जाता है, उसके ऊपर ऋण हो जाता है, जिसकी पूंजी लेकर गया था वो अपना हिसाब मांगता है, पैसे वापस नहीं देता है तो उसको मजदूर लगाता है,
तो इसी प्रकार परमात्मा हमें बता रहे हैं कि जो सत साधना कर लेगा, इस मनुष्य के समास रूपी पूंजी गिन के मिली हुई आपको, इसके दुगने तिगने कर लेगा, वो तो साहूकार कहलाओगा, वो तो सेठ हो जाएगा। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना कोए, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होवे। के कबीरा सब जग निर्धना, पुण्यात्माओं आपने देखा है कई पूंजीपति बड़े बड़े सेठ या बड़े बड़े अधिकारी, राजा लोग, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एक पल में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। शत भक्ति ना करने से वो 84 लाख योनियों में, पशुओं में जाते हैं, नरक में डाल दिए जाते हैं। तो वो सेठ हमें यहाँ सेठ नजर आवे थे, वो वास्तव में सेठ नहीं थे, वो निर्धन थे। जिस धन से ये जीव सेठ बनता है, सहा बनता है, साहूकार बनता है, धनी बनता है, वो धन राम नाम है। राम नाम की कमाई करने से, राम नाम कौन सा है, कौन से राम का जाप करना है, ये एक विशेष विस्तृत विवरण आपको अलग से दिया जाएगा। और अरे अगर आपको बताया भी गया है कि किस राम के बारे में हम बोल रहे हैं, हम उस परम अक्षर ब्रह्म राम के बारे में बोलते हैं, पूर्ण ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं, उस राम की जाप करने से आपको पूर्ण लाभ होगा। तो उस राम के नाम की कमाई जिसके पास है वो धनी है, भगवान के दरबार में उसकी इज्जत होगी। और जो शत भक्ति नहीं कर रहा, यहाँ से कितना ही बड़ा सेठ है, कितनी बड़ी वो मंत्री है, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे राष्ट्रपति है, या कोई अधिकारी है किसी प्रकार का, या कोई रंक है, गरीब है, जो भक्ति नहीं करते वो ऑटोमेटिकली निर्धन है। परमात्मा की दृष्टि में, परमात्मा के दरबार में उनका अकाउंट नहीं पाओगा। और आप जी चाहे कोई रिक्शा चालक है, चाहे गरीब है, अमीर है, सेठ है, राजा है, बड़ी बड़ा पोस्ट वाला अधिकारी है, चाहे गरीब इंसान है, और जिसके पास ही राम का नाम है, सत भक्ति कर रहे हैं, तो वो धन आपके साथ जाएगा। और वो धन ही असली धन है। पूंजी साहूकार की या हरदम छिजरे, या साहूकार यानी परम पिता ने दी हुई, आपकी परमेश्वर की दी हुई सांस की पूंजी श्वास के द्वारा खत्म हो रही है, डेली नष्ट हो रही है। गरीब दास दूने करे सो सहा कहे जरे, यानी इसके डबल करेगा, यानी लाभ लेगा इससे, भक्ति करे, दान करे, सत्संग सुने, पांचों यज्ञ का लाभ उठावे, मंत्र करे, सावधानी से रहे, विकारों से दूर रहे, तो वो कहते हैं दूने कर लेगा, तो वो परमात्मा के दरबार में साहूकार होगा। लेखा देना रे धनी कह लेखा देना रे, रागी राज राग उतारते मुख गावत बैनारे, अस्ति घोड़े पाल की छोड़ी सब सेनारे। पीछे आपने समाचार पत्रों में पढ़ा था एक दिन, कि जो विशेष खबर से आती है, भक्तदास बच्चे मुझे बताते हैं कि आज ऐसी घटना घट गई, एक विशेषकर ऐसी घटनाओं को दास विशेष महत्व देता है, पढ़ता देखता है, और फिर याद आती है परमात्मा यदि हम आपकी शरण में ना होते, या दुर्गति हमारी भी होती। समाचार पत्र में आया था कि एक पोलैंड देश का पूरा कैबिनेट, यानी प्रधानमंत्री और मंत्री और उसके सारे सपसलार जो उसमें बैठे थे सारे नष्ट हो गए, एक ही जहाज में थे, किसी का शोक व्यक्त करने जा रहे थे और आप भी विनाश को प्राप्त हो गए। उनकी कितनी आशाएं थी, क्या क्या उम्मीदें लगाए बैठे थे, ये करेंगे वो करेंगे, और जो ये करना था वो काम वो उनका याद भी ना आया। तो काल भगवान ने इस जीव को धोखे में रखा हुआ है, इसको इतना चौधरी पका दिया है कि बस तू ही है, सब कुछ तू ही करेगा, यूं कर दूंगा, देश का उद्धार कर दूंगा, फलाना कर दूंगा,
देश का उद्धार जब होगा जब तू अपना उद्धार की सोचेगा। अपने उद्धार की कहाँ से सोच होगी? सत्संग में आएगा। सत्संग में आने से नेक नीति अंदर उत्पन्न होएगी, दया बनेगी, भगवान से डर बनेगा, फिर वही व्यक्ति अपने देश और क्षेत्र का उद्धार कर सकता है, अन्यथा केवल कहन मात्र सीमित रह जाता है। जो राजा लोग भगवान से डरने वाले होते थे वो कभी अन्याय नहीं करते थे, अपने और पराये में वो अंतर नहीं समझते थे। उनके राज्य में कहते इतना शांति होती थी कि गाय और शेर, बकरी और शेर एक ही स्थान पर जलपान कर लिया करते थे, अर्थात शेर बकरियों को नहीं खाता था, फल आहार करता था। अपने आत्मा ये बातें सत्य हैं बिल्कुल। तो ऐसे उद्धार भी वही व्यक्ति कर सकता है क्षेत्र का जो स्वयं उद्धार हो। जो स्वयं उद्धार नहीं है फिर तो ये अपना कर्म ही भोग रहे हैं। जैसे परमात्मा कहते हैं अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचारे, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगारे। बहुत गहराई से विचार किया करो पुण्यात्मा इस परमात्मा की वाणी पर, तब आपका हृदय इस संसार से हटकर भगवान की तरफ चलेगा। और जिस लाभ को आप स्वयं प्रयत्न से प्राप्त करना चाहते हो वो आपको नहीं मिल रहा, उसको भी परमात्मा ही दिया करता है। जैसे हम कोई कार्य करते हैं, जैसे पहले क्या था, हाथ से आटा पीसा करती थी माई बहनें, और हाथ से ही पशुओं के चारा काटा करते थे। एक मशीन लगी थी जो हाथ से घुमाकर काटते थे, फरसे लगे होते थे। तो अब हमने पावर का कनेक्शन मिल गया बिजली का, और बिजली से फिर वो कार्य कितना आसान हो गया। जो कार्य पावर कर सकती है, जितनी शीघ्र कर सकती है, वो मैनुअली नहीं कर सकता, नहीं हो सकता इतना। तो ऐसे ही जब हम परमात्मा की शक्ति से कनेक्टेड हो जाएंगे, हमने भगवान की पावर का कनेक्शन मिल जाएगा, ईश्वरीय शक्ति का हमें कनेक्शन मिल जाएगा, फिर हमारे कार्य बहुत आसानी से होंगे और गढ़े गढ़े होंगे। तो क्या बताते हैं कि अगम निगम को खोज ले और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगार। अब इसका एक उदाहरण देते हैं आपको। बिगार किसे कहते हैं? पहले हम सुनते थे विशेषकर ये थ्री व्हीलर से हुआ करते बड़े बड़े, तो वहाँ हमारे गांव से मैं सड़क बनी ही थी, वहाँ से वो थ्री व्हीलर जाते थे रोहतक या लखनऊ माजरे तक आते थे। तो उनमें से एक व्यक्ति थ्री व्हीलर वाला ना दिख आया उस दिन, तो नेक्स्ट डे उससे दूसरे साथी पूछ रहे थे भी कल क्या बात होगी, तू आया कौन ही? तो वो कहने लगा कल मैं बेगार में फंस गया। बेगार क्या होती थी कि पहले पुलिस वालों के पास ये जीप जाप ना होया करती, ये इन्होंने किसी का व्हीकल पकड़ा, दो डंडे मारे और सारे जन घुमाए जाते, उसी से तेल डलवाते, उसका डीजल भी वो खुद डालता था, पेट्रोल के होते थे पहले। तो वो कह रहा था भाई 200 रुपये का तो पेट्रोल फूक दिया अपने घर ते, अपनी जेब से 200 रुपये का पेट्रोल लगा, उसमें दो आज तो मेरे ख्याल 20,000 का हो वो 200 रुपये का जो उस समय खर्च हुआ, 200 रुपये का पेट्रोल लग गया और सारा दिन इधर उधर सुबह ले गए पकड़ के मुझे 4 बजे और शाम को रात के 12 बजे छोड़ा जाके, यानी दौड़ धूप तक देश तक गणी चौनी घर में आई कौन, और घर से ही वो पूंजी और बर्बाद करी, तेल घर अपने जेब से लगाया, उसको बेगार कहा करते थे। तो वो क्या करते थे थ्री व्हीलर वाले, फिर अपना बांट लिया करते जी, एक आदमी का तो घनी बेगार पड़ जाएगी, वो बांट लेते थे भी, एक दिन उसको कभी जरूरत पड़े तो वो चला जाएगा, फिर जरूरत पड़ेगी तो तीसरा, यानी ऐसे कोई आपत्ति आती है तो अपना ये विकल्प निकाल लेता है पब्लिक, क्या करे। तो ऐसे उसको बेगार कहते हैं कि दौड़ धूप तो देश तक गणी, सारे दिन उसका पंजा टिका नहीं, टायर बाजता हंडेगा, कभी इधर चल कभी उधर चल, वो सब जगह घुमा लाए हैं, और चवन्नी का लाभ नहीं और बल्कि हानि होगी 200 रुपए की, इसको बेगार कहते हैं। ये बेगार थी,
व्यर्थ का दौड़ धूप चवन्नी उसका इनकम नहीं हो और खर्च भी साथ में हो। तो ऐसे कहते हैं अगम निगम को खोज ले, वो परमात्मा ऊपर सतलोक जाने वाले मार्ग पर इस व्यवस्था पर तू एक गहरी नज़र से सोच, विवेक के साथ सोच, उदय अस्त का राज मिले। ओए यदि पूरी पृथ्वी का भी तुझे राज्य प्राप्त हो जा तो भी बिनाम बिगार। बिगार कैसे? राजा यदि भक्ति नहीं करता है, सत्य भक्ति नहीं करता है परम संत से लेकर, तो वो बिगार कर रहा है। बिगार कैसे कर रहा है कि अपने पिछले जन्म के पुण्यों का नष्ट कर रहा है, और जितना बड़ा अक्षेत्र होगा उस राजा के अंतर्गत उतना ही उसकी टेंशन का कारण रहेगा। कहीं पर कोई उपद्रव हो रहा है, कहीं पर सूखा पड़ गया है, कहीं पर फ्लड आ गई है, कोई मंत्री कुछ कर रहा है या दूसरे राजा की चिंता, तो वो राजा आप देखते हो किसी भी मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सारा दिन रेल बनी रहे इनकी, कदे वहाँ चलो कदे वहाँ चलो, ना जाते वो अक्षेत्र वाले नाराज हो जाए। यानी इतनी टेंशन तो राजा को होती है, किसी को नहीं होती पृथ्वी पर। लेकिन हमने वो ऐसा दिखाया कि जैसे बड़ा ठाठ कर रहा है। ठाठ तो यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई ना, यहाँ एक पृथ्वी के छोटे से टुकड़े के कोई बन गया, कोई अधिकारी या कोई राजा बन बैठा, सपने में भी सुख नहीं है। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करें मैंने सबका किया विवेका हो। परमात्मा कहते हैं सुख नाम की चीज नहीं है किसी प्राणी को। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीति हो, कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। अगर यहाँ भी थोड़ा बहुत राहत आपको चाहिए तो परमात्मा कबीर जी, परमेश्वर कबीर जी का इस दास के द्वारा उपदेश प्राप्त करके ही होगी, अन्यथा इस पृथ्वी पर वर्तमान में और कोई विकल्प नहीं है। या तो परमेश्वर स्वयं आए थे या आज इस दास को वो खजाना दिया है जिससे आप भी लाभ प्राप्त कर सकते हो, मोक्ष भी करा सकते हो, और संसारिक जिसको तुम सुख मानते इस झूठे सुख के दूर राहत है वो भी परमात्मा कबीर जी के इस साधना से, इस मंत्र से जो दास देता है इसी से ही प्राप्त होंगे। तो कितनी प्यारी व्याख्या दी है कि अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो वे नाम बेगार। आप तो बहुत साहूकार हैं उन व्यक्तियों से जो अरबपति और खरबपति हैं, जो सत भक्ति से वंचित हैं। वह कहते हैं वह माया तो यही रह जाएगी, जिस माया के लिए जिन कार कोठियों के लिए वो सारा दिन लगा रहता है, वो माया उनकी कार कोठी संपत्ति सारी यही रह जाएगी। केवल वो खाखी जागा नौका नो खाली, वो खाखी जाएगा खोखा जो अपने पुण्य बर्बाद कर गया नालायक भक्ति करी नहीं, और फिर आगे क्या होगा उसके साथ। लेखा देना रे धनी कह लेखा देना रे, रागी राग उचारते गावत मुख बहना रे, हस्ती घोड़े पाल की छाड़ी सब सेना रे। वो राजा जब दौड़ धूप करता था एक मिनट में मृत्यु होगी, ने बोला सारी कहते हैं कि सब सेना को छोड़कर चला गया। रोकड़ी धरी ढकी रही सब जेवर गहना रे, और फूक दिया मैदान में कुछ लेन न देना रे। रोकड़ी माने जो भी तेरे पास नगद सौदा था, धन था, वो सब वहीं रह गया। और फूक दिया मैदान में कुछ लेन देना रे, और कुछ लेन दे कुछ नहीं हाथ लग गया तेरे। मुग्दर मारे शीश में जमकिंग कर देना रे, उतर चला तागीर हो जो मर्दक सेना रे। भाई फूल्या सो कमलात है जो चना सो देना रे, चित्रगुप्त लेखा लिया जहाँ कागज पहना रे। अब क्या बताते हैं कि देखो मृत्यु तो तुम्हारी सबकी ही होगी, लेकिन जो सत भक्ति करते हैं वो फिर मृत्यु कभी नहीं होगी। वो ऐसे स्थान पर चले जाएंगे जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। तो मृत्यु के अंदर बहुत अंतर है। कबीर साहब कहते हैं आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, एक तो सिंहासन चढ़ कर जाएंगे बंदे जाए जंजीर। जाने और मृत्यु में बहुत अंतर होगा, एक तो अपराधी की तरह बांध कर ले जाया जाएगा यमदूतों के द्वारा,
और जो सत भक्ति करते हैं परमात्मा की आदि उन मर्यादा में रहते हैं तो उनको आदर के साथ सिंहासन पर जहाज में बैठा कर ले जाया जाएगा। फिर क्या बताते हैं, मरना तो है लेकिन आगे क्या होगा, चित्रगुप्त लेखा लिया जा कागज फैनारे, वहां पर कहते हैं चित्रगुप्त, चित्र और गुप्त ये वहां दो धर्मराज के दूत हैं, देव दूत हैं, और ये वहां आपका अकाउंट धर्मराज के सामने पेश करते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक साइलेंट फिल्म बनती है जिसको चित्रगुप्त कहते हैं। वो गुप्त साइलेंट फिल्म जो बनती है, एक फैक्स आपका ऊपर धर्मराज के दरबार में जाता है, तो वहाँ धर्मराज के दरबार में ये दो क्लर्क हैं चित्रगुप्त नाम के, और दो मिलकर ही आपके पूरे उस फिल्म को देखकर निर्णय उस धर्मराज के पास रखते हैं कि इसके इतने पुण्य हैं इतने पाप हैं, उसके आधार से फिर धर्मराज आपको भविष्य निर्धारित करता है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि मर तो गया कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ चित्रगुप्त लेखा लिया फिर कागज फैना रे, वहाँ तेरे कागज कंप्लीट ना होने से अड़ जाएंगे अर्थात तेरी वीरान माटी होगी। और फिर क्या बताते हैं कि मान लीजिए कोई भक्त है और वहाँ पहुँच गया, भक्ति पूरी बनी नहीं, तो क्या उसके लिए क्या बताते हैं, चलिए आम दीवान मैं सतगुर से कहना रे, मुश्किल से आसान हो जो बहुर मरे नारे, चलिए आम दीवान में, आम खास आम दीवान दो प्रकार के पहले दरबार लगा करते थे, तो कहते हैं चलिए आम दीवान में यानी परमात्मा के सच्चे दरबार में जाइए, तेरा वहाँ फिर भक्ति मार्ग बढ़ेगा, सच्ची भक्ति मिलेगी, फिर तेरा जन्म मृत्यु कभी नहीं होगा। बोया अपना सब लुणे पकड़ो मन ऐनारे, चरण कमल के ध्यान से छूटे सब फैनारे, प्राणंदनी संग है जाके काम देनारे, गरीब दास फिर आव ही जो अजर जर नारे। अब क्या कहते हैं गरीबदास साहिब जी, कह रहे हैं कि जो अजर जरेंगे नहीं यानी जिनको पूर्ण विश्वास नहीं होगा जो हम कह रहे हैं, वो व्यक्ति भक्ति करते हमारी भक्ति करते हुए भी फिर भी आ सकते हैं, जन्म मृत्यु हो सकती है। किनको, गरीब दास फिर आव ही जो अजर जर नारे, जिनको दृढ़ विश्वास नहीं होगा अजर यानी पक्का और सही यानी कारण तेरा जरी नहीं आ बात, जरना मीन विश्वास होना, जिनको पूर्ण विश्वास नहीं हुआ हमारी बातों पर वो भक्ति भी कर रहे हैं वो भी वापस आएंगे, यानी सभी मर्यादा पूर्ण करते हुए पूर्ण लाभ प्राप्त किया जाता है। भजन कर राम दुआई रे, भजन कर राम दुआई रे, भजन कर राम दुआई रे, भजन कर राम दुआई रे। ओए होए, अब परमात्मा आप जी को कितने प्रकार से समझाने की चेष्टा करता है कि किसी प्रकार या बुद्धू आत्मा ना जाने कौन सी चोट इसका लग जाए और ये संभाल ले अपने मूल कार्य को। पुण्यात्माओं, हम इस काल के कुएं में पड़े हैं, जैसे कुएं में बाल्टी गिर जाती है तो बाल्टी निकालने के लिए क्या करता है निकालने वाला, एक हुक होते हैं उसमें 20 25 21 22 15 16 हुक होते हैं हुक, और उनको एक कड़े में डाल दिया जाता है और वो अलग अलग से ऐसे ऐसे अलग अलग उनको उसमें जड़ा हुआ होता है डाला होता है, और उसको रस्से से बांध कर कुएं में डालते हैं। वो एक कड़ा भी डाल सकता था नहीं, ज़्यादा कड़े इसलिए ज़्यादा हुक इसलिए डाले गए ना जाने कौन से मुड़ जा। तो पुण्यात्माओं, आप हम यहाँ काल के कुएं में पड़े हैं और परमात्मा हमें निकालने के लिए अपनी शब्द रूपी डोरी से ये वचन रूपी हुक ये शब्द रूपी हुक डाल रखे हैं, और ये ना जाने कौन सा उड़ जा, एक बोल जा उड़ जा फिर बाहर ले आओगा, वो बाल्टी भी काम आ गई और ठीक ठाक निकलाई उससे जल निकलेगा। तो ऐसे हम फंसे पड़े हैं, तो इस प्रकार परमात्मा ने ना जाने कितने प्रकार के वचन बोले हैं
और ना जाने इस गुगू आत्मा के कौन सी लाग जा और ये अपना कल्याण करवा ले। क्या कहते हैं, भजन कर राम दुहाई रे, भजन कर राम दुहाई रे, तेरी दुर्गति हो जाएगी, कुत्ता बनेगा, खाज लागेगी, शर्म कीड़े पड़ेंगे, हैं कि तक कुतिया बने, गधा बने, गधी बने, क्या दुर्गति होगी आपकी। इसलिए कहते हैं भजन कर राम दुहाई रे, भजन कर राम दुहाई रे, और जन्म अनमोली तुझे दिया नरदेही पाई रे, कितना अनमोल जन्म तुझे दे रखा है, मनुष्य शरीर तुझे प्राप्त किया प्राप्त है, मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए है, बाकी तो संतानों उत्पत्ति, इनके अंदर ममता मोह अपने पेट के लिए भ्रमणा भटकना ये आम प्राणी करता है, पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं। परमात्मा ने एक नारी ड्रेस हमें दी है, हमें अलग से एक भिन्न चोला दिया है, शरीर दिया है, और इससे हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। इसका केवल इसको देने का एक यही उद्देश्य था और हम मूल उद्देश्य भूलकर आम प्राणी जैसे कर्म ही करके अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। इसलिए भगवान हमें याद दिलाता है, भजन कर राम दुआई रे, भजन कर राम दुआई रे, भजन कर राम दुहाई रे, भजन कर राम दुआई रे, जन्म अनमोली तुझे दिया नर देही पाई रे, देही कु देवा लोच ही सुर नर मुनि भाई रे। कितनी कितनी प्यारी बात कही परमात्मा ने। कहते हैं इस मानव शरीर को देवता भी तड़फ रहे हैं, देवता लोगों को उस समय पता लगता है जब ये वहाँ पहुँच जाते हैं, जो यहाँ भक्ति जैसी कि इनको ऊपर देव पद प्राप्त होता है, 33 करोड़ देव पद हैं, जैसे अपने यहाँ एमपी की सीट है अपने भारतवर्ष में 500, ये फिक्स है, और इनमें आगे आदमी व्यक्ति बदलते रहते हैं, तो ऐसे ऊपर 33 करोड़ देवताओं की सीट हैं, उन्हीं में से ब्रह्मा विष्णु महेश और फिर उनके अंतर्गत जितने अधिकारी वो लगाए जाते हैं, वरुण है ये जल का देवता, कुबेर है ये धन का देवता, वित्त मंत्री, तो कहते 33 करोड़ देवता हैं। उनको वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि तुम्हारा ये पुण्य क्षीण होगा, और पुण्य क्षीण होने के बाद तुम्हारी मृत्यु भी होगी, तुम्हें नरक भी जाना होगा। फिर उनको याद आती है कि ये ऐसे कैसे बने, हमने तो भक्ति की थी, तो वो फिर आपस में विचार विमर्श करते हैं, भाई वेदों में लिखा है कि तत्वदर्शी संत की खोज करो, तत्वदर्शी संत से पूछो परमात्मा के बारे में, हमें वो तत्वदर्शी संत नहीं मिले, तो वो क्या बात कहते हैं, भगवान हमें अब के ये अब की बार जब मनुष्य शरीर मिल जाएगा, एक बार मनुष्य शरीर मिले, हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति तत्वदर्शी संत की खोज करके करेंगे, हमारे साथ तो धोखा हो गया। जैसे कई भाई बहन मजबूरी व्यवस्था के अंदर आकर सोच लेते हैं, हम खुदकशी कर लें, आत्महत्या कर लेते हैं, अपने हमें दुख दूर हो जाएगा, नहीं, आत्महत्या करने से दुख दूर नहीं हो सकता, यो शरीर तो दूर हो सकता है, विष खा लेने से, फांसी लगा लेने से शरीर तो नष्ट कर दिया आपने, लेकिन दुख तो न्यू का न्यू रहेगा, फिर गधा बन गए, गधा बन गया जाते लठम लट्ठा, फिर बता के सुख होया। तो इसका सुख यही होगा कि आप सत भक्ति करो, आपके संकट का भी निवारण होगा, वर्तमान में भी आपको राहत मिलेगी, फिर आगे तो कहते हैं इस देही को देवा लोचते सुर नर मुनि भाई रे, सनकादिक नारद रटे चहु वेदा गाई रे, भक्ति करे भवजल तेरे सत पर सतगुरु शरणाई रे। कहते हैं सभी सनक संदन, ये चार पुत्र है ब्रह्मा के, छोटी आयु के इनकी आयु रहती है, इसी एज में रहती है, 5 वर्ष की आयु के, लेकिन आयु के विद्वान बहुत माने जाते हैं। कहते हैं ये तुम्हारे सनक सनंदन भी भक्ति कर रहे हैं, और चारों वेदों में भी यही कहा गया है कि भक्ति करो, लेकिन सतगुरु शरणाई रे, यानी तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर भक्ति करो, तब तुम्हारा मोक्ष होगा। सनकादिक नारद रटे चारों वेदा गाई रे,
भक्ति कर भव जल तर पर सतगुरु शरण आई रे। सतगुरु तत्वदर्शी संत की शरण में आने से ही तुम्हें पूर्ण लाभ होगा, भक्ति का लाभ मिलेगा। मिर्गा कठिन कठोर है कौ कांडे काई रे, कस्तूरी है नाभि में ये बाहर भरमाई रे। एक मृग के नाभि में परमात्मा की रजा होती है, गॉड गिवन, उसकी नाभि में सुंडी में कस्तूरी बन जाती है और उसकी महक उसको अपने अंदर से आती है। वो घास जब चरता है श्वास छोड़ता है, श्वास घास से टकरा के जमीन से फिर उसके वापस उसी के श्वास वापस लेता है, तो वो उसकी महक में उसकी सुगंध में इतना मतवाला हो जाता है, वो सोचता है कि यहाँ वो यहाँ पर है, वो कस्तूरी की महक यहाँ पर महक है। वो जहाँ भी दौड़ता है सांस छोड़ता है फिर लेता है, वो महक उसको साथ आ रही है। वो जहाँ भी देखता है कि यहाँ से आ रही है तो यहाँ वो सुगंध है, वहाँ है वो सुगंध है, तो थक के गिर जाता है। थक के जब बैठ जाता है तो फिर वो श्वास उश्वास लेता है तो वो महक उसको वहाँ भी आ रही है क्योंकि वो उसके अंदर थी। तो परमात्मा कहते हैं कि ये मन रूपी मृग कभी तीर्थों में जाता है, कभी कावड़ लेने जाता है, कभी कहाँ जाता है, किसी मंदिर में जाता है, किसी मस्जिद में, किसी गुरुद्वारे में, ये सोचता है यहाँ भगवान है, यहाँ भगवान है। और वो उसकी कसक उसके अंदर ही थी, वह कसक जो पिछले पुण्य की कमाई थी वो उसके साथ थी और वो उसको लिए फिर रही थी, उसके उसको उठाए फिर रही थी। और जब सतगुरु मिल गए तो उसको बैठा दिया उस मृग की तरह, बेटा बैठ, अरे सांस का सेवन कर, अब देखना मैक, वो मैक तुझे यहाँ मिलेगी, वो वस्तु अब मिलेगी तुझे। अब क्या बताते हैं भाई, जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद चौरासी के, कट गे फंद चौरासी के, रकट गे फंद चौरासी के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद चौरासी के, वस्तु मिली ठोर की ठोर मिटगी मन पापी की दौड़, वस्तु मिली ठोर की ठोर मिटगी मन पापी की दौड़। ये भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के, भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद चौरासी के। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि ये मृगा कठिन कठोर है, कहो कहाँ डैक आई रे, कहाँ धक्के खाता है, कभी तीर्थों पे, कभी मथुरा में, गिदक गया जी पे, पिंड भरवाण फंड करने। और कस्तूरी है नाभि में ये बाहर भरमाई रे। राजा डूबे मान में पंडित चतुराई रे, राजा लोगों में तो अभिमान हो जाता है, चार सैनिक हो गए साथ में, बस ने सोचा तू के राखी बन गया और उनको तो अभिमान हो गया। और पंडित जिसने चार अक्षर सीख लिए संस्कृत के और सौ दो से उसको नमस्कार करने वाले हो गए, वाह पंडित जी वाह पंडित जी वाह भाई क्या बात है। और वो मानना कति, जैसे ही परमात्मा कबीर जी आए थे उन सुप्रसिद्ध पंडितों को, ब्राह्मणों को, गुरुओं को ललकारा करते थे, समझाया करते थे, लेकिन वो माने नहीं। एकाद रामानंद जी जैसी पुण्यात्मा, सर्वानंद जैसी पुण्यात्मा एकादि सतगुरु के शरणों में आ गई, बाकी किसी ने नहीं माना, वो अपने ज्ञान पंडिताई में डूब गए। राजा डूबे मान में पंडित चतुराई रे, ये ज्ञान गली में बंक है तन दूर में लाई रे। अब क्या बताते हैं कि इस ज्ञान गली में तो बहुत टेढ़ापन है, तुम नहीं समझ सकते, तुमने अपना शरीर बर्बाद कर लिया। उस साहेब को याद कर जिन सौंझ बनाई रे, देखत ही हो जात है पर्वत से राई रे।
कंचन काया नास होवे तन ठोक जलाई रे, मूर्ख बोंदु बावरे या मुक्ति कराई रे। फिर क्या बताते हैं, चमरा जुल्हा तिर गए और छिपा नाई रे, चमरा जुल्हा तिर गए और छिपा नाई रे, गणका चढ़ी विमान में सुरगापुर जाई रे, अजामेल गणका तेरे और सदन कसाई रे, नीच तेरे तो से कहूँ नरमोड न्याई रे, शब्द हमारा साच है और ऊंट की वाई रे, ये धुएं कैसा धौल हर त्यों लोक चलाई रे। ओह कल बिस्कुसमल सब कटे तन कंचन काई रे, गरीब दास निज नाम है नत पर भी नाई रे। अब कहते हैं कि अब देख उस साहेब को याद कर जिन सौंझ बनाई रे, यानी जिस परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, तेरा शरीर भी बनाया, तुझे कर्माधार पर जो सब कुछ दिया। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात, उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर, उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद प्राणी संसार में लौटकर कभी नहीं आते, अर्थात उनकी जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाती है। और जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमात्मा ने सौर्य ब्रह्मांडों की रचना की है, और मैं भी उसी की शरण में हूँ, उसी की पूजा करनी चाहिए, नथिंग एल्स, पूर्ण मोक्ष के लिए। तो उसी का प्रमाण गीता जी में, क्योंकि परमेश्वर की वाणी में, कबीर साहेब जी की वाणी में, और कबीर जी द्वारा दिए गए अपने प्यारी आत्मा गरीब दास जी का ज्ञान योग खोलकर जो ज्ञान दिया है, उनके कंप्यूटर में फीड कर दिया था, उनके द्वारा दिया गया ज्ञान, ये इसमें चारों वेद, पांचवा वेद तो ये है ही है, इसमें इंक्लूड है ये, इसमें सच्चा ज्ञान है, क्योंकि वेदों का अनुवाद गलत कर दिया, गीता जी का अनुवाद गलत कर दिया। तो ऐसे ही परमात्मा ने कृपा की हम कलयुग के अंदर इस पिछली पीढ़ी वाली पुण्यात्माओं पर, कि अपने सिंपल लैंग्वेज में, अपने मुखारविंद से, अपने मुख्य वाणी में, सच्चिदानंद घन की वाणी में ये बिल्कुल विस्तार से और सिंपल साधारण तरीके से लिखा है। तो अब यदि दास ये वाणी आपको पढ़ाता और ऐसे सुनाता तो कतई नहीं मानते, क्योंकि आपको साथ साथ में इन वेदों, पुराणों, गीता, कुरान आदि का भी रेफरेंस आपको दिया और दिखाया जाता है, तब आपके हृदय में ये परमात्मा का ज्ञान सत समाया है, आप समझ पाए। क्या लिखा है इसमें, उस साहेब को याद कर दिन सौंझ बनाई रे, तत्ब्रह्म, उस साहेब को, उस परमात्मा को, गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम, परम शांति यानी पूर्ण सुख, फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं हो, वो तब सुख होगा, नहीं तो जन्म हुआ और दुख का कहर टूटा, जब गर्भ से दुख होने शुरू हो जाता है इस प्राणी के ऊपर, माँ के पेट में बहुत दुख होता है और आजीवन दुखी रहता है, कभी सांस का दर्द, कभी कड़म में दर्द, कभी कुछ हो गया, कभी किसी चीज की टेंशन, कभी रोजी रोटी के लिए चिंतित, कोई और समस्या आ गई और शारीरिक कष्ट न रहे, तो परमात्मा कहते हैं वो परम शांति तो वही मिलेगी उस तत् ब्रह्म के पास, परम अक्षर ब्रह्म की साधना से। उस साहिब को याद कर जिन सौंझ बनाई रे, देखत ही हो जावेगा ये पर्वत से राई रे, कितना सुंदर शरीर है, और एक बार फूक दिया जाएगा, सभा हो जाएगा जब तेरी मृत्यु होगी, उसके उपरांत इसको जला डालेंगे, ये राख बन जाएगी, पर्वत से राई बन जाएगा, कुछ भी नहीं, आज तो फूला समा रहा, फूला नहीं समा रहा, पता नहीं केक के जुगाड़ जोड़े बैठा है, एक सेकंड में ना बेरा के बिजली गिर जा। हम देखते हैं रोजाना कितने बड़े बड़े सेठ, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अपने ही हेलीकॉप्टरों में क्रश हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, एक सेकंड के बाद उनका नाम और निशान नहीं मिलता है। तो क्या बताते हैं परमात्मा, कबीर कहाँ गर्वियो ये काल गह कर केश,
ना जाने कित मारेगा क्या घर क्या परदेश, कहा जन्मे का पाले पोसे खूब लड़ाए लाड, ना जाने इस देह के कहां खंडेंगे आड़े। उसके लिए भगवान कहते हैं भजन कर राम दुआई रे, भजन कर राम दुआई रे, भजन कर राम दुआई रे, भजन कर राम दुहाई रे। देख परमात्मा कितने प्यार से हमें समझाना चाहते हैं, पर हम गुगु और यहाँ कति हमारी बुद्धि पशु जैसी बना दी। काल ने एक बार तो असर हो सा इस बात का, गुरुजी क्या कह रहे हैं, भगवान का आदेश सुना रहे हैं, कैसी दुर्गति होगी। और घंटे दो घंटे के बाद फिर वैसी बुद्धि बन जाती है। इसका एक ही तरीका है कि रह रहकर सत्संग सुने और दाव लगते ही सिमन डट के करें, फिर भक्ति भक्ति बढ़ती जाएगी ना आपकी, सेवा की, धर्म की, दान की, या कमाई बढ़ जाएगी, फिर यू ज्ञान काफ़ी देर तक असर करने लग जाएगा। आपको नींद भी आनी बंद हो जाएगी, रात में मंत्र करने लग जाएगा, जब हाथ में माला ले लेंगे और शुरू कर दोगे भगवान की भक्ति, फिर भूल पड़ जाएगी, फिर शुरू कर देंगे। तो रह रहकर आने से जैसे बहुत गहरा जल होता है, उस गहरे जल पर भी काई आ जाती है, और उसका विकल्प है जब उससे हमें लाभ लेना है तो उसको ऐसे काई को हाथ से हटा दे, वो दूर हो जाती है। हटाते रहेंगे तो निर्मल जल प्राप्त होता रहेगा, नहीं तो वो ऊपर आकर उसको फिर छा लेती है। तो ऐसे हमारे इस मन की वृत्ति है, हमारे ऊपर जो प्रभाव है तीन गुणों का, रजगुण, ब्रह्मा, सतगुण, विष्णु, तमगुण, शिव जी द्वारा जो हमारे ऊपर प्रभाव छोड़ा जा रहा है, कंस्टेंट है, वो लगातार छोड़ा जा रहा है। जैसे सूर्य जब तक उदय है आप उसकी रेंज में हैं तो कंस्टेंट आप पर हीट आ रही है, उसके बचाव के लिए जैसे हमने शेड बना लिया, मकान बना लिए, ऐसे इनसे बचा जा सकता है। तो परमात्मा कबीर जी की भक्ति से आपका बढ़िया तो लेंटर वाला कोठी बन गई समझ लो, एसी लग गया साथ में, तो इन तीनों गुणों का प्रभाव से आप ऐसे बचोगे, ऐसे व्यवस्था बनाने से बचा जाता है। जैसे हमने एसी लगा लिया, कूलर लगा लिया, पंखा लगा लिया, मकान बना लिया, तो उन ताप से बच गए हम गर्मी सर्दी से। तो ऐसे ही इस भक्ति की शक्ति से, भक्ति की धार्मिकता से, इन तीनों गुणों से हम इनके प्रभाव से बहुत बच जाएंगे, घना फर्क पड़ जाएगा। और फिर हम तीनों गुणों के प्रभाव से हम बचे तो भक्ति करेंगे। जैसे हम इस साइड में बैठे हैं, पंखा चल रहे हैं, तो हम भक्ति भी सुन रहे हैं। यदि धूप में बैठे होते तो कहाँ सुना जाता था, गर्मी याद आओ हमारे। तो ऐसे ही हमारे ऊपर तीनों गुणों का जो दबाव है त्रिगुणमयी माया का, ये भगवान की भक्ति से, धर्म से, पुण्य से, पांचों यज्ञों से, ये फिर एक किस्म का प्रोटेक्शन बन जाएगा आपके। फिर क्या बताते हैं कि तुम ये ना सोचो ये कंचन काया नाश हो तन ठोक जराई रे, ये तेरा कितना सुंदर शरीर है सोने जैसा, ये भी एक दिन नष्ट हो जाएगा और इसको फूंक देंगे घर वाले उठा के। और कहते हैं मूर्ख बंधु बाव रे, या मुक्ति कराई रे, उस जीवन मिला था मोक्ष कराने के लिए, अडले डोकर और इसको छोड़ चला, जिस सुंदर शरीर को तू अपना मानता था, और ये भी तेरा नहीं रहा। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।